क्या मॉपअप राउंड पॉसिबल है 2019 में वेबजी के लिए? तो यस गाइस, पॉसिबल है, पर अगर आप सोचें कि आप 100% में कितना परसेंट पॉसिबल है, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट डेली अपडेट्स। आई वुड से 60%, क्योंकि देखिए सिरेमिक कॉलेज, लेदर टेक्नोलॉजी, ये सब जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, इनमें पॉसिबल हो सकता है और कट ऑफ फिर भी बहुत हाई जाएंगी, क्योंकि दिस ईयर मैनेजमेंट कोटा इज़ लीगल एंड आपको पता ही होगा कि हेरिटेज जैसे कॉलेजेस में चांस ही नहीं मिल रहा है किसी को और किसी को सीट अलॉट नहीं हो पा रही है। मॉपअप राउंड तक आपको वेट करें तो मैं कहूँगा शायद आप रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि कॉलेज हो सकते हैं आपको अलॉट नहीं हो इस साल। और जहाँ तक बात रही मॉपअप राउंड में कॉलेज आपकी सेलेक्ट करने की, सो गाइज इट्स वेरी रिस्की। एंड अगर आप बात करें कितनी सीट्स हो सकती हैं, तो कंप्यूटर साइंस की किसी भी कॉलेज में सीट नहीं मिलेगी आपको। आपको मिल सकती है तो ईसी, आईटी, वो भी बहुत ही कम चांसेस में। और अगर आप सोच रहे हैं कोर ब्रांचेस में, तो यस गाइस इट्स पॉसिबल फॉर यू, यू कैन गेट कॉलेजेस इन द कोर ब्रांचेस। जादवपुर के बारे में बात करें तो यस एक होगी अगस्त में, जहाँ तक खबर आई है, क्योंकि जादवपुर में 5-6 सीट बच चुकी है जिसमें हो सकता है कि आपकी चांसेस लग जाएं, पर कट ऑफ्स हाई होंगी। और अगर आपकी 1000 के करीब रैंक है और आप सोच रहे हैं वेट करने का, सो तब आपको शायद लग सकता है कोई भी जादवपुर में, ईसी तक तो लग जाएगा आपका। और बात करें जो कॉलेजेस शायद मॉपअप राउंड में नहीं पार्टिसिपेट करेगी, सो वो कॉलेजेस हैं हेरिटेज, टेक्नो एंड आईईएम। बिकॉज टेक्नो, हेरिटेज, आईईएम ने बहुत अपने मैनेजमेंट कोटा रख चुके हैं, वो इतना पेट और उनका भूख इतना बड़ा हुआ है कि वो आपको बिना भूख से नहीं संभाल सकते। कॉलेजेस जो पार्ट लेंगी वो है कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक यूआईटी, वर्धमान, आसनसोल एंड ऑल, जिसमें कोई बच्चे नहीं जाते क्योंकि प्लेसमेंट होता नहीं है। आप कुछ कॉलेजेस बात करें तो जीआईएस ग्रुप की जितनी कॉलेजेस पार्ट ले सकती है, जीआईएस यूनिवर्सिटी पार्ट ले सकती है, एडमस ले सकती है, और कुछ अलग अलग कॉलेजेस अमृति यूनिवर्सिटी एंड ऑल कैन पार्टिसिपेट। फीस आपको कैसे प्रोसीड करना है, 500 रुपीज़ जैसे आपने काउंसलिंग में दिया था वो 500 देना है। अगर आपकी 20 तारीख गुजर जाती है तो आपको 5000 आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अभी लेने का फ़ायदा क्या है कि अगर आपने 5000 जो रुपए दिए हुए हैं कॉलेज से, वो कट जाएंगे और कॉलेज को उठ के पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको 5000 रुपए। कट ऑफ कितनी तक जा सकती है, तो जेयू की कट ऑफ जा सकती है सीएससी की 500, ईसी तक की जा सकती है 1000, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता। और अगर मैकेनिकल की बात करें तो 2000 लास्ट। मॉपअप राउंड में क्या देर इज़ एनी चांस टू गेट एडमिशन इन एनी कॉलेजेस इफ़ आई डोंट गेट? सो गाइज नॉट पॉसिबल। इफ मॉपअप राउंड भी पार हो जाता है तब तक मेरे ख्याल से शायद 1 या 2 सीट होगा, लकीली आपको कोई सीट मिलेगा। अगर आपको अभी जाना है तो कुछ छोटे छोटे कॉलेजेस, स्वामी विवेकानंद, ये सब छोटे छोटे कॉलेज जिसमें कोई सीट नहीं भरता, वो ले सकते हैं आपको। अभी किन कॉलेजेस में ट्राई करें, तो 20 तारीख के बाद किसी भी कॉलेज में जाइएगा, उनको अपना पेट भरना है, वो आपसे भरवा लेंगे अपना पेट अगर आपको देना है। अगर पहले ही आपकी कोई सीट अलॉट हो चुकी है तो प्लीज़ जाइए बिना पेट किसी का भरे और ले लीजिए। अपने काबिलियत से जो हासिल करें उसी को चीज़ को लीजिए, जिससे कि कभी भी ज़िंदगी में कोई भी दोस्त आपको अगर कोई बोले कि भाई आपने इंजीनियरिंग की है, तो बोला हाँ की है, अपने काबिलियत में जिस कॉलेज में मिली उसी कॉलेज से की है। तो चलिए गाइस, थैंक यू। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता था कि देखिए किसी का पेट भर के हो सकता है आपको मिल सके कि आपने इतनी बड़ी नामी कॉलेज में भर्ती हो गए, आपकी नाम हो गई, सो बाद में आप पछताएंगे, क्योंकि जीवन भर आपको ये आशा रह जाएगा कि आपने माँ बाप के पैसे बिन बात के खर्चा करवाएं और ऐसी कॉलेज में पढ़ें जिससे हो सका कि आप सिर्फ प्लेसमेंट के नाम पर पढ़ लिए, पर प्लेसमेंट सभी को एक ही लगी, क्योंकि आईईएम से भी 3 लाख की प्लेसमेंट लगती है और एनआईटी से भी 3 लाख की प्लेसमेंट लगती है, और आप बात करें तो प्राइवेट कॉलेज से भी 3 लाख की प्लेसमेंट लगती है अगर पढ़ने में आप गवार हों। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेके कोई बच्चा 6 लाख 30 लाख भी ले लेता है, तो कोई बच्चा 6 लाख ले लेता है, ये सब आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि 500 रैंक लाकर भी बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट ही नहीं मिलते लास्ट में। इनका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरा बहुत अच्छा आ गया है, अब नहीं कुछ करना। नहीं, आपको करना बहुत है, अभी कॉलेज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत ज़रूरी है। कंटिन्यू करते रहिए, इंग्लिश स्पीकिंग सीखिए, अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ देने की प्रैक्टिस कीजिए, प्लेसमेंट पक्का लगेगा, ये गारंटी है मेरी।